साइंस लेबोरेटरी सर्कस ऑफ साइंस अपने रूट प्लान के तहत आज पहुंची है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विलेज श्रीफगढ़ में, जो कि ब्लॉक शाहबाद डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में पड़ता है। आज हमने 9th और 10th क्लास के बच्चों को साइंस से कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाए, और जो बच्चों को साइंस मुश्किल लगती है उस साइंस को आज आसान बनाने की कोशिश की गई। कितना हम अपनी कोशिश में कामयाब हो पाए उस विषय में बात करने के मेरे साथ एक स्टूडेंट यहाँ मौजूद है, ये हमें बताना चाहेगी कि इसका यह प्रोग्राम कैसा लगा। जी क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम पलक है और मैं 9th कक्षा की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्रीफगढ़ है, और आज हमने साइंस में पीएच स्केल के बारे में और फिनोल्फथिन के बारे में और काफ़ी कुछ सीखा, और मैथमेटिक्स में और अशंकु के आयतन और बेलन के आयतन में आयतन के बारे में गति के नियम और भी हमने काफ़ी कुछ सीखा। तो कैसा लगा आपको प्रैक्टिकल जब आपने साइंस को किया, तो अब साइंस आपको आसान लगी है मुश्किल लगी प्रैक्टिकल करने के बाद? साइंस हमको बिल्कुल इजी लगी। इतनी जो लोग समझते हैं कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इजी थी और बहुत मजा आया, हमें एंजॉय बहुत किया। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह की जो मोबाइल साइंस वैन है स्कूल में, साल में महीने में दो महीने में कितनी बार आए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सकें? मैं तो चाहती हूँ कि ये साल में 3-4 बार आई जाए, बिकॉज इसमें बहुत मजा आता है और फुल इंजॉय भी करते हैं, और इससे हमें साइंस को और भी सीखने का मौका मिलता है। देखिए पलक ने हमें बताया कि उनको आज बहुत ज्यादा मजा आया, उन्होंने साइंस को खेल खेल में सीखा और साइंस उनको बहुत आसान लगी। एक स्टूडेंट भी मेरे साथ है, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इनको यह प्रोग्राम कैसा लगा। क्या बताएंगे बेटा? क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी 10th क्लास में। तो कैसा लगा आज आपको साइंस में जो आपके स्कूल में आई? जी बहुत ही अच्छा लगा। क्या सीखा आपने? जी हाथी का टूथपेस्ट बनाने के बारे में सीखा। जी हाइड्रोक्लोरिक जी अमल में जो कोई भी कुछ भी डालकर जो हम उसका रंग बदल कर जो टूथपेस्ट बना सकते हैं। तो अब आसान लगते हैं साइंस आपको? जी लगती है, जी आसान ही लगती है। स्कूल के लेक्चरर मैडम भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने यह प्रोग्राम सारा देखा सुबह से लेकर अब तक। मैडम लगातार हमारे प्रोग्राम में रहे, हमें भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम स्कूलों में ऐसा मिलता है कि टीचर जो हमारे साथ बैठता है क्लास। तो मैडम से भी जानना चाहूँगा कि मैडम हमारे प्रोग्राम के बारे में क्या बता रहे हैं। Myself वंदना आर्य, PGT केमिस्ट्री हियर, और मतलब फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का वे ऑफ टीचिंग भी बहुत बढ़िया था, और सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सपेरिमेंट्स जो किट आप लेकर आए, तो दैट इज़ टोटली रिलेटेड विद द डेली लाइफ। वो कई बार हम लोगों के पास साइंस में इतना मतलब नहीं होता मटेरियल कि हम बच्चों को शो कर सकें, बट वो कमी जो रह गई थी वो आई थिंक यू हैव कम्प्लीटेड दिस। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आपके, इस तरह की जो बसेज हैं वो कितनी बार रिपीट होनी चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, एंड आई थिंक एटलीस्ट वंस इन अ मंथ इफ इट इज पॉसिबल। चलिए बहुत अच्छा लगा मैडम से बातचीत करके, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बार इनके स्कूल में हम आए। धन्यवाद।